आप यहाँ पे आज अकलविया मॉडल स्कूल में आपने विजिट किया, हमारे लिए बड़ी बहुत खुशी की बात है कि आपने यहाँ विजिट किया और आप यहाँ पे आए। आपका प्रोग्राम इसके बाद भी हमने आपके पास टाइम होना चाहिए, आप जब भी बोलेंगे। और हमारे लोगों की बड़ी छोटी छोटी मुश्किलात हैं। इस अकलविया मॉडल स्कूल में दो दिन तीन दिन पहले आपसे भी मेरी बात हुई, इसी हिसाब से भी मेरी बात हुई थी। मैंने यहाँ विजिट किया तो यहाँ बच्चे रोए, बच्चों ने कहा कि मुझे बुखार है, तो खाना हमें रात का मिल रहा है, रात का खाना हमें सुबह दे रहे हैं। मेरी प्रिंसिपल साहब से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे फंड ऊपर से रिलीज नहीं है। मैडम आप यहाँ पे आए, आप यहाँ पे रात को बच्चे जो हैं वो अकेले रहते हैं। अब स्टाफ जानती होंगी, वार्डन साहिबा जानती होंगी, क्योंकि अपने बच्चों को आगे रख के हम किसी के साथ ना इंसाफी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ प्रिंसिपल ने, नीति सिंह और वार्डन साहब ने, कि ऐसा जो है आज के बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्लास लर्निंग है। यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज आए यहाँ पे, बाकी एडमिशन के लिए जितना भी है या किसी भी चीज के लिए पॉलिटिकल यहाँ पे बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है इन चीजों में। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, पब्लिक की तरह पब्लिक के सामने कहना चाहती हूँ, हमारे डीपीओ साहब हैं, प्रिंसिपल हैं, डिप्टी सीओ साहब हैं, बाकी भी जितने भी हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो एसडीएम साहब भी हैं, एडीडी साहब हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे इस में एडमिशन के लिए या कोई काम के लिए जितना भी है, मैं कहती हूँ कि पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। ये आम पब्लिक के लिए है, यहाँ पे वही बच्चा आएगा जो जिसका हक है, जो जेन्युइन है। हम किसी की डिमांड यहाँ पे वो एडमिशन नहीं करवाना चाहते, और मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि हमारा फर्ज भी नहीं बनता। जो बच्चे जेन्युइन है उनको ही यहाँ पे आना चाहिए। अगर हम किसी को सोच के करेंगे कि ये काम आने वाला हमारे कहीं इलेक्शन में दूसरे तीसरे हर जगह कहीं फिर दूसरा मसला ये है कि आपने ये सोशल मीडिया पे कल परसों दो दिन पहले एक न्यूज चल रही थी, तो ये बच्चियां शाम को जब रात दी। ये सबसे पहले मैं तो अपने चेयरमैन साहब से और इशफाक साहब से, टीकू खान साहब से, एसडीएम मेंडर से और एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ से और बालायन आफिसरान से ये गुजारिश करूंगा के स्कूल के अंदर सबसे पहले जो बच्चों की फैसिलिटियां हैं, जो सबसे पहले सीबीएसई का कोर्स, जो मॉडर्न स्कूल का मेन मकसद था, जिसके ऊपर बच्चे और बच्चे यहाँ आए थे, ये बच्चे अकेडमी में भी पढ़ते थे, ये बच्चे उन मिडिल स्कूलों में या प्राइमरी स्कूलों के अंदर भी तालीम हासिल कर रहे थे, ये बच्चे घरों सिर्फ चावल और दाल खाने के लिए यानी हमने डाले कि यहाँ सिर्फ दाल और चावल उबाल के दे दिए जाएंगे, बच्चे उस पर रहेंगे। नहीं, हम ये चाहते हैं हमारे पे आज सबसे पहले आपने पूछा कि ढाई दो साल हुए हैं हमारी मुझे यहाँ चेयरपर्सन बने हुए, तो मुझे यहाँ आने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि हमारे जो काउंसिल मेंबर हैं बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई ऐसी शिकायत या ऐसा मौका मिलता तो मैं जरूर यहाँ पे आती। तो आज हमने जो काफी टाइम से यहाँ एक अकलविया मॉडल स्कूल का इश्यूज चल रहा था, काफी टाइम से ये काम शुरू हुआ, फिर ये पेंडिंग हो गया, उसके बाद हमने ऑनरेबल एलजी साहब से मिलके पैसे रिलीज करवाए, यहाँ पे फंड आए और वो काम फिर से जो है वो शुरू हो गया है। तो यहाँ पे कुछ इश्यूज ऐसे थे कि कॉन्ट्रैक्टर की वजह से या कहीं किस वजह से जो है ये काम रुका हुआ था, तो आज हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट को भी
बुला के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के हमारे एडब्ल्यू साहब यहीं थे, इनको भी बोल दिया और कॉन्ट्रैक्टर को भी यही कहना चाहते हैं कि सितंबर तक इसका टाइम दिया हमने, 2 महीने का टाइम दिया, उसमें जितने भी है ये कम्प्लीशन होनी चाहिए। बाकी यहाँ के जितने भी जरूरियात की चीज़ें जो हैं हमारे, जैसे यहाँ के सिविल सोसाइटी के जितने भी लोगों ने जो इश्यूज यहाँ पे रखे हैं, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनको जल्द से जल्द हल करने की, और हायर अथॉरिटी तक जो बात डिस्ट्रिक्ट तक है वो हम डिस्ट्रिक्ट में ही हल करेंगे, और जो हायर अथॉरिटी के लेवल की है तो वह हम जरूर ऑनरेबल एसडी साहब से, हमारे ट्राइबल के सेक्रेटरी साहब शाहिद साहब तक पहुँच जाएंगे, ताकि यहाँ पे कोई भी जो है प्रॉब्लम बच्चों को नहीं आनी चाहिए। इतना बड़ी जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है, बिल्डिंग बनी है, तो ये प्रॉपर स्कूल जो है सीबीएसई के नाम पे यहाँ पे बच्चों ने एडमिशन ली है, अभी तक जो सिलेबस है वो सीबीएसई का नहीं दिया गया है। तो उसमें हम यही कहना चाहते हैं हायर अथॉरिटी से भी, एलजी इंतजामिया से भी, कि यहाँ पे जो है सीबीएसई का जो है सिलेबस होना चाहिए। तो बाकी जितने भी इश्यूज हैं यहाँ के स्टाफ को लेके, जब सिलेबस सीबीएसई का आएगा उसके साथ साथ जो है वो स्टाफ भी सीबीएसई का ही होना चाहिए। जितने बाकी हमारे लोगों ने जो पॉइंट्स रखे हैं मैं उन सबको भी मानती हूँ और पूरी कोशिश करेंगे उनको जरूर हल करने की। इसमें जरूर अगर यहाँ पे जेम पोर्टल से जो है वो सामान खरीदा गया है जिसमें हमारी एजेंसी पीडब्ल्यूडी की रही है, तो उसमें जरूर अगर ऐसी कोई बात है तो मैं कहती हूँ कि इस पे जरूर इंक्वायरी करेंगे हम, अगर ऐसा कोई मसला है तो जरूर इंक्वायरी होगी, क्योंकि आज वो वक्त नहीं रहा कि हम कोई भी चीज है उसको पेंड ऑन करके या वो वर्क ऑर्डर या ऐसी कुछ चीजें जो है।